What's up everybody, welcome back to the channel. Guys, this is video number 42 and in this video we are going to solve a complete question of retirement of a partner chapter lekin without capital adjustment. जी हाँ दोस्तों, इसमें हमें कंप्लीट क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हमें तीनों अकाउंट बनाने हैं, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट. अब तक मैंने आपको इसके सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं, चाहे वो चेंज इन पीएसआर का हो, गुडविल का हो, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स का हो, रिवैल्यूएशन का अकाउंट. लेकिन हम इसमें आप करने वाले हैं क्वेश्चंस. अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. स्टार्ट करने से पहले गाइस एक चीज़ बताना चाहूँगा, अधिकतर होता क्या है, चाहे वो एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, ठीक है, आपको हर सारे टॉपिक्स आप पढ़ लोगे, चाहे वो न्यू रेशियो का हो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग, गुडविल, जो भी टॉपिक है. लेकिन जब आप क्वेश्चन करने बैठते हो कंप्लीट, जिसमें तीनों अकाउंट बनाने पड़ते हैं ये वाले, तब भटक जाते हैं, तब हमारे आंसर्स नहीं मैच होते यार, बैलेंस शीट मैच नहीं होती, व्हाटएवर, जो भी कैलकुलेशंस मिस्टेक्स होती है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो हमें ये पूरा क्वेश्चन करना है. एडमिशन और रिटायरमेंट में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें चॉइस होती है दोनों में. तो अब ऐसा होता क्यों है हमारे साथ, इसका सबसे बड़ा रीज़न गाइस आपको बताऊं तो वो है, हमारे पास सही अप्रोच नहीं है क्वेश्चंस को करने की. हमें कोई बताता नहीं है कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ठीक है. हर कोई ये बता देगा कि यार इसमें तीन अकाउंट बनाने हैं, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट. भाई बता क्या रहे हो, करके दिखाओ हमें. हाँ, टॉपिक समझा देगा आपको हर कोई, लेकिन जब करने की बारी आती है तो करके तो दिखाना पड़ता है ना, किस कोई क्या तरीका है क्वेश्चन को करने का, कोई अप्रोच बता दीजिए. क्योंकि अभी हमारा एडमिशन हुआ है क्लास 12th में, एडमिशन हमारे लिए बिल्कुल नया है, रिटायरमेंट नए हैं सारे चैप्टर, तो इस तरीके क्वेश्चंस को करने के लिए एक अप्रोच आपके पास होनी चाहिए, ठीक है. तो मैं वो आपको अप्रोच बताऊंगा, जिस अप्रोच को फॉलो करके आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, चेंज इन पीएसआर. गाइस सबके साथ स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, मेरे साथ भी आती थी, आपके साथ भी आती होंगी, लेकिन इस दिक्कत को दूर करना है क्योंकि 8 मार्क्स पूरे करने हैं, ठीक है. उन 8 मार्क्स को दूर करने के लिए कुछ तो समझना पड़ेगा. तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको थोड़ा सा मैंने मोटिवेट कर दिया है क्वेश्चन के लिए. तो एक काम करना है, बहुत से होगी इधर उधर की बातें, अब नहीं तो रह जाएंगे हमारे अधूरे खाते. तो चलिए, आपको एक काम करना है, बस वीडियो को एंड तक आपने देखना है, स्किप नहीं करना है, हो सकता है कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाए. और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना. चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन. आइए दोस्तों अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. देखो जो ये क्वेश्चन है बोर्ड में आया हुआ है, 2017 में बोर्ड में आया था, ठीक है. क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा. तीन पार्टनर है, कनिका, दिशा एंड कबीर, वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं. बैलेंस शीट दे रखी है इनकी, ठीक है, और नीचे एडजस्टमेंट कुछ दे रखी है. देखो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहला काम, पूरे क्वेश्चन को रीड नहीं करना कि भाई पहले देखें क्या क्या एडजस्टमेंट, ऐसा नहीं करना. डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखे, सिर्फ क्या देखनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखनी है, और उसके बाद देखना है रिटायर जो पार्टनर्स बच गए हैं उनकी न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो दे रखी है नहीं, ये देख के. और देखना है क्वेश्चन में बनाना क्या है, ये जरूर देख लेना कि यही ना देखे बनाना क्या है यार, ठीक है. सीधा अकाउंट बनाने चल दिए और पूछा है जर्नल एंट्रीज, ये चीज ध्यान में रख लेना. सबसे पहले फॉर्मेट बनाने हैं, फॉर्मेट बनाने के बाद फर्स्ट सेकंड स्टेप आपको क्या लेना है, मैंने हर एक चेंज इन पीएसआर हो चाहे एडमिशन हो उसमें सब में बताया, जब भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले बैलेंस शीट की वैल्यूज को एज इट इज उतारना है, सिर्फ कोई रिजर्व है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है या फिर एग्जिस्टिंग गुडविल है, उन सबको छोड़ के बाकी सारा देखना है. सबसे पहले दे रखा है ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स किस तरह आएगा, लाइबिलिटी साइड वो लिख लिया मैंने. सेकंड दे रखा है इंप्लॉयज प्रोविडेंट फंड. अब मेरा एक क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है, इंप्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो है वो बटता नहीं है, ठीक है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये बटेगा नहीं, लेकिन क्यों नहीं बटेगा इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में. अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, देखना चाहता हूं किस किस को इसका पता है कि ये फंड क्यों नहीं बढ़ता है. सेकंड आ रहा है कैपिटल्स. देखो कैपिटल में दे रखी है कनिका, दिशा, कबीर, लेकिन रिटायर्ड कौन हुई है, कनिका, तो ऑब्वियसली बात है कैपिटल अकाउंट्स जो है वो दो के आएंगे,
दिशा का आएगा और कबीर का आएगा। कनिका का कैपिटल नहीं आएगी यहां पर, क्यों? क्योंकि उसका लोन अकाउंट बन जाएगा। ये मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में समझाया था, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स वाली, कनिकाज लोन अकाउंट। ठीक है, इतना हो गया। अब एसेट साइड पे फटाफट लिखो, बैंक लिख दो, डेटर्स लिख दो, डेटर्स में हो सकता है कुछ प्रोविजन लेस करना, उसके लिए स्पेस छोड़ दो, स्टॉक लिख दो, फिक्स्ड एसेट्स लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्युमुलेटिव लॉस है, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड पे। ठीक है, अब आ जाओ अपनी एडजस्टमेंट्स पे। सेकंड स्टेप समझ में आ गया, बैलेंस शीट लिखे। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है? एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट है गुडविल से रिलेटेड। गुडविल से रिलेटेड का कहां एडजस्टमेंट होता है? कैपिटल अकाउंट में। उसको हमें नहीं करना है, उसको स्किप करेंगे। नीचे जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है वो सारी एडजस्टमेंट पिक करनी है। सेकंड एडजस्टमेंट है फिक्स्ड एसेट्स वर टू बी इंक्रीज्ड 2 रुपीज 3 लाख, यानी कि जो फिक्स्ड एसेट है हमारे वो 3 लाख रुपए तक हो गए हैं, उनकी वैल्यू 3 लाख रुपए है। पहले थे 2.40, अब हो गए 3 लाख के, तो यानी जो एसेट है वो हमारे बढ़ गए हैं 60,000 के। बाय फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट कितने? 60,000 से। ठीक है, अकाउंट लगा लेना साथ में। अब साथ ही साथ देखो, इसके साथ ही यहां पर करना है आपको इसकी प्रेजेंट की वैल्यू लिखनी है, और तीनों अकाउंट साथ में बनेंगे, ध्यान रखना तीनों अकाउंट साथ में बनेंगे, एक एक करके मत बनाने लग जाना, बहुत दिक्कत होगी। फिक्स्ड एसेट्स की प्रेजेंट वैल्यू है 3 लाख, 3 लाख को यहां पर लिख दो बस। अब कह रहा है स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 120%, 120% पे स्टॉक वैल्यूड हुआ है, स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 1 लाख। 1 लाख का 1 लाख जो है वो कितना है? 100% है पूरा, तो 1 लाख का 20% कितना होगा? 20,000। तो यानी 1,20,000 अब उसकी वैल्यू हो गई है, तो 20,000 से बढ़ चुका है ना। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा पॉइंट, नहीं आया तो डायरेक्टली 1 लाख का 120% निकाल लेना, 1,20,000 आएगा। 20,000 यहां आ गया और 1,20,000 अब वैल्यू है, तो 1,20,000 यहां लिख दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है? चौथी एडजस्टमेंट, द अमाउंट पेबल वॉज ट्रांसफर टू अवर लोन अकाउंट, जो अमाउंट पेबल है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला है। ये वाली एडजस्टमेंट तो आने वाली है नहीं इसमें। तो अब सिंपल सी जो एडजस्टमेंट हो गई आपकी रिवैल्यूएशन बैलेंस शीट की वो हो गई। अब अकाउंट क्लोज कर दो और इसका गेन रिवैल्यूएशन जो भी आ रहा है वो निकालेंगे। 80,000 यहां का आया, 80,000 यहां आया, कोई यहां पे डेबिट साइड है नहीं, तो टू गेन ट्रांसफर, ट्रांसफर होगा यहां पर इनके कैपिटल अकाउंट में। कौन पार्टनर है? कनिका, दिशा और एक मिनट, कनिका, दिशा एंड कबीर। ठीक है, 80,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1:1। देखो 80,000 का 2/4 अगर मैं निकालूं तो सीधा 20,000 हो गया, तो 20,000 को 2 से कर दो 40,000, और 20,000 को 1 से कर दो और फिर 1 से कर दो, तो 20-20 80,000 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये ट्रांसफर होगा यहां पर। इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक, नहीं आया तो वीडियो यहीं स्टॉप करो, पहले ये स्टेप समझो। करने के बाद अब आना है कैपिटल अकाउंट पे, कैपिटल अकाउंट को करना है। एक मिनट, यहां पे लिखता हूं मैं, ये कनिका है, ये कब, सॉरी, ये दिशा का कैपिटल अकाउंट और ये कबीर का। ठीक है, कनिका, दिशा, कबीर, ये हो गया हमारा फॉर्मेट। स्टार्ट करते हैं आप कैपिटल अकाउंट को बनाना। कैपिटल अकाउंट में भी सीक्वेंस वाइज मैंने चीजें बताई है। सबसे पहला काम ओपनिंग बैलेंस लिखना, वो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग इनका बैलेंस दे रखा है 2 लाख, 1,80,000, 2 लाख, 1,80,000। सेकंड नंबर पे कौन सी चीज ध्यान रखनी है? सबसे पहला ये, सेकंड नंबर पे आपको चीज देखनी है क्या कोई रिजर्व बैलेंस शीट में है या फिर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस व्हाटएवर जो भी ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ती है। अब यहां पर इंप्लॉयज प्रोविडेंट फंड तो नहीं बटेगा, ये चीजें नहीं आनी। यहां पर हमें दिखा था, क्या चीज दिखा था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने नहीं लिखा था यहां पर, तो वो डेबिट साइड बटेगा क्योंकि वो लॉस है टू पी एंड एल अकाउंट।
कितना है 20,000, 20,000 को 2:1:1 में बांट दो, 20,000 को 4 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, 5,000 आ गया, तो 5,000 को 2 से कर दो, 10,000 इसको जाएगा, 5,000 इसे, ओ सॉरी, 5,000 इसे और 5,000 इसे, ठीक है, हो गया सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे देखना है रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस, यहां पर हुआ है गेन तो इसको ट्रांसफर करेंगे यहां पर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है गेन 40-20-20, 40,000 ये, 20,000 इसका और 20,000 इसका, ठीक है 40-20-20। अब तीन चीज हो गई, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और रिजर्व वगैरह और ये लॉस सॉरी गेन, यहां पर हमने लॉस लिया था और यहां पे गेन लिया। थर्ड नंबर पे करनी है गुडविल की एडजस्टमेंट, कैपिटल तो यहां पर कोई है नहीं, एडमिशन तो हो नहीं रही, तो रिटायरमेंट में एक चीज कम हो जाएगी, क्या कि वहां कैपिटल नहीं आएगी, एडमिशन में एक चीज प्लस होगी, वहां कैपिटल आएगी, यहां नहीं। अब गुडविल की ट्रीटमेंट, गुडविल का देखो यहां पर गुडविल का इसने क्वेश्चन भी दे दिया, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड इयर्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, प्रॉफिट दे रखा है हमें 2013-14 का 1,00,000, ठीक है लिख देता हूं यहां पर, 13-14 का दे रखा है 1,00,000, 14-15 का दे रखा है 1,30,000। आप सोचो कि भाई 2 साल का ही दिया यार, तीसरे साल का बैलेंस शीट में गिवन था ना यहां पर आपको लॉस, वही है लॉस, तो वही 15-16 का जो है आपको दे रखा था यहां पर 20,000 का लॉस, तो यहां पे आप टोटल कर लो कितना आएगा ये, 1 और 2 30 में से 20 गए, 2,10,000, 2,10,000 को डिवाइड कर दो 3 से, तो आपका एवरेज प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3,710, तो 70,000 का ये आपका एवरेज प्रॉफिट। लेकिन गुडविल कह रहा है 2 इयर्स परचेज, तो 2 इयर्स परचेज, तो गुडविल की वैल्यू निकल के आ जाएगी 70,000 × 2 विच इज इक्वल टू 1,40,000, ठीक है ये गुडविल होगी। अब हमें कनिका के शेयर की गुडविल देखनी है, तो कनिका का जो शेयर है वो है 1/2, तो 1,40,000 का 2/4 निकाल लो डायरेक्ट, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये हो गया 70,000 इसका आ गया। अब इस 70,000 को दिशा और कबीर देंगे किसको, कनिका को, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। अब यहां पर आपको ये चेक करना है क्या कोई न्यू रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, तो जो इनकी ओल्ड रेशियो थी कनिका, यहां पर मैं लिख देता हूं इनकी रेशियो 2:1:1, ये इनकी ओल्ड रेशियो है, ठीक है। अब यहां पर ये तो होगी कनिका रिटायर, तो जो इनकी ये बच गई यही इनकी न्यू हो जाएगी, यही गेनिंग हो जाएगी, तो आपको इस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि 35-35 डायरेक्टली दिख रहा है यहां पे, तो एंट्री क्या बनेगी, दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिका कैपिटल अकाउंट, तो बाय दिशा कैपिटल अकाउंट बाय कबीर कैपिटल अकाउंट 35,000 इसके अकाउंट में और 35,000 इस दोनों ने कंट्रीब्यूट करा है। अब यहां पर इन दोनों के अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे टू कनिकास कैपिटल अकाउंट। यहां पर मैं लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं, अगर आपको समझ आ रहा है तो आई होप इतना समझ में आ रहा होगा, टू कनिकास कैपिटल अकाउंट कितना, दिशा और कबीर से 35,000 डिडक्ट कर देंगे, ठीक है हो गया कैपिटल अकाउंट फिनिश, फटाफट से क्लोज कर दो अकाउंट, टोटलिंग करो 1,00,000 तो यहां का डायरेक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, और 1,20,000 यहां का दिख रहा है, एक मिनट, 1,20,000 यहां का और यहां का देख लो, 35 और 35 70, 2 40 और 70, 3,10,000 ये हो गया आपका कनिका का, ठीक यही यही वैल्यू सारी यहां पर आ जाएगी, 3,10,000, 1,20,000 ये और 1,00,000 ये। अब यहां पर हमें पहले निकालना है कनिका का लोन अकाउंट में क्या कितना आएगा, टू कनिकास लोन अकाउंट,
लोन अकाउंट में 3,10,000 में से 10,000 लेस कर दो, 3 लाख तो चला जाएगा इसके कैपिटल अकाउंट में। सेकंड नंबर पे आप बैलेंस शीट निकाल लेंगे, यहां पर 1,20,000 में से 35 और 40 लेस कर दो, 80,000 तो इसका बच जाएगा, और 1,00,000 में से 40 इसका लेस कर दो, 60,000 इसका बच जाएगा। ये हो गया बैलेंस शीट। अब आ जाओ बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे अगर हम देखें तो ट्रेड क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया, तो 53,000 एज इट इज। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड नहीं बढ़ता है, ठीक है, क्यों नहीं बढ़ता है ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। दिशा और कबीर का कैपिटल अकाउंट 80,000 एंड 60,000 टोटल कर लो 1,40,000 का ये हो गया, और कनिका का लोन अकाउंट 3,00,000 ये हो गया। बस कोई कनिका के लोन की पेमेंट नहीं करी है, इसलिए बैंक में यहां पर कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर पेमेंट करी होती तो बैंक में भी चेंज आ जाता, ठीक है। तो बैंक में आ जाएगा 60,000 दिया हुआ है, तो 60,000 ही आएगा। डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, कोई बैड डेट्स नहीं हुए हमारे, 60,000 ही ये रहेंगे। एक मिनट, स्टॉक ऐसे रहेगा, फिक्स्ड एसेट ऐसे रहेगा, और कोई भी चीज नहीं है। अब आ गई फाइनल बारी, जो हमने मेहनत करी इस पूरे क्वेश्चन में, अब देखेंगे क्या वो सही है या गलत। मेन चीज जो हमें खुशी होती है ना बैलेंस शीट मैच होने की, वो हम चेक करेंगे। अब पहले एसेट साइड का करते हैं। 3,00,000 देखो, 60 और 60 कितना होता है, 120 और 120 कितना हो गया, 240 प्लस कर दो 3,00,000 में, तो 5,40,000 यहां आ गया, ठीक है। और अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो देखो, वंस के नीचे वंस लिखो, टेंस के नीचे 100 के नीचे 100, 1,000 के नीचे 1,000, और ऐसे जैसे बच्चों वाली कैलकुलेशन करनी है ना वो करो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी श्योरिटी रहेगी, और ऐसे आप सोचोगे यार मन में कर रहा हूं कहीं गलत हो गया तो। इसलिए अब यहां पर देख लो, 0, 0, 0 और 7, 4, 11 और 3, 14 का 4 हासिल किया, 1, 5 और 1, 6, 4, 10, 10 और 1, 11। एक मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है ऐसे, क्योंकि मेरे स्पेस छोटी पड़ी ना, ऐसे कर लेते हैं। 3,00,000 और 1,00,000, 4,00,000, 4,00,000 और 40, 4,40 डायरेक्ट सीधा 4,40 ये, और 50 और 40, 90, 90, 97 और 3, 1,00,000, 4,40 और 1,00,000, 5,40,000 बैलेंस शीट मैच, 8 नंबर पक्के। अब कोई भी आपका मार्क्स नहीं कट सकता। समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन को करना है? गाइज देखो, मैंने आपको बहुत डीपली समझाया है, हर एक स्टेप आपको समझाए हैं, ठीक है, तब इतना टाइम लगा है, गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपने इस अप्रोच को फॉलो करके 10-15 क्वेश्चन करे, आपकी स्पीड बिल्डअप होने लगेगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई आप स्टेप समझ में नहीं आया, फिर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को जिस भी मिनट पर आपको समझ नहीं आया ना, कमेंट बॉक्स में वो मिनट और सेकंड लिख देना, ताकि मैं वीडियो देख के पता कर सकूं कि भाई कौन सा आपको समझ नहीं आया। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का पूछा उसका जवाब दे देना, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बता देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम आ रहे हैं आपके। और हाँ, सेहत का ध्यान रखना। गुड बाय, टेक केयर।